खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ईद उल अज़हा के हवाले से SOPs तय कर लिए। आबादी से दूर मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। कोरोना से निपटने के लिए महकमा सेहत की इस्तेदादकार में इजाफा कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगिश की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कोरोना से बचाव के लिए समाजी दूरी, मास्क का इस्तेमाल और हाथों का वक्फे वक्फे से धोना जरूरी है। आवाम से अपील है कि ईद की तैयारियों के दौरान इन एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज न करें। वजीर आला महमूद खान कोरोना से मुतालिक तमाम तर इकदाम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ईद उल अज़हा के लिए जैसे आपको पता है कि जगह जगह मंडी मवेशियां लगती हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मवेशी मंडियां आबादी से दूर लगाई जाएंगी। यह महकमा बल्दियात ने खुसूसी हिदायत जारी की। यह भी हिदायत हमने जारी की है कि बड़ी मवेशी मंडियों की बजाय ज़्यादा तादाद में छोटी मंडियां लगाई जाएँ ताकि किसी एक जगह लोगों का रश ना बने। मवेशी मंडियों में बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग अफराद हैं और छोटे बच्चे हैं उनके दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मवेशी मंडियों में बगैर मास्क के किसी किस्म का दाखिला मना है। हर आने वाले जो विजिटर है उसका बॉडी टेम्परेचर थर्मल गन से चेक किया जाएगा।